हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एप्पल कट कुर्ती। तो ये कुर्ती का कपड़ा है, मैंने 4 फोल्ड इसे कर लिया है इस तरीके से। और नीचे से एप्पल कट कुर्ती होती है जो नीचे से राउंड शेप में होती है, तो मैं आज वो कटिंग करूँगी। तो हमारी लंबाई है 30 इंचीज़, इसमें सिर्फ 1.5 इंचीज़ ही प्लस करेंगे, 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे मार्जिन, जो कि 1/2 इंच हम ऊपर सिलाई में मुड्ढे में चला जाएगा और 1 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे। इसलिए हम इसमें 31.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। और इधर की तरफ ये बंद साइड है, तो इधर से हम तीरा रखेंगे क्योंकि मुझे बॉट नेक बनाना है, तो तीरा मैं 7 इंच रखूँगी। और इसका मुड्ढा हम रखेंगे 6.5 इंच क्योंकि इनकी चेस्ट भी 32 इंचीज़ का है। 13.5 इंच पे हम कमर रखेंगे और 20.5 इंच पे हम हिप्स का निशान लगाएंगे। तो हम पहले फिटिंग का निशान लगाएंगे, 8 इंच हमारी फिटिंग है और 2 इंच प्लस करेंगे इसमें। इसी तरह कमर हमारी 28 है, तो 28 का चौथा हम 7 हो जाएगा और इसमें 2 इंच इसमें भी हम प्लस कर लेंगे। और हिप्स हमारी है 35 इंचीज़, तो 4th करेंगे इसका 9.25 इंच होगा इसमें। और हिप्स पे हम 2 इंच प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमें एप्पल कट ये सूट बनाना है, तो इसमें हम 1/2 इंच ही हम हिप्स में प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। और इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे, फिटिंग के पॉइंट्स को भी और मार्जिन के पॉइंट्स को भी। और हल्की सी हम मुड्डे की कटिंग देंगे बैक साइड की, और फ्रंट की भी हम 1/2 इंचीज़ पे कटिंग दे देंगे, शेप दे देंगे। और नीचे की तरफ हमें क्या करना है, जितना हमने हिप्स का लिया है उतना ही हम सेम मार्किंग घेर की करेंगे 9.25 इंच पे और प्लस 1/2 इंचीज़ मार्जिन। इसे पहले इसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। और नीचे हमें शेप देने के लिए, अगर आपको थोड़ा डीप राउंड चाहिए तो आप 2 इंचीज़ पे शेप दे सकते हैं। पहले इस तरीके से एक निशान बना लेंगे हम, और अगर थोड़ा कम देना है तो आप 1.5 इंचीज़ पे भी कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से राउंड शेप में हम मिला देंगे, यहाँ से बहुत अच्छी इस तरीके से शेप आती है। मार्जिन से ही हमें ये मिलाना है, अंदर वाले निशान से नहीं मिलाना है, बिकॉज हमें इस पर कटिंग करनी है, तो हमें इसी पर कटिंग करनी है। आप डायरेक्ट ये शेप भी कटिंग कर सकते हैं, मैं पहले थोड़ा सीधा कट करूँगी। और बाहर की तरफ से मार्जिन ले जाते हुए हम अपना सूट कटिंग कर लेंगे। कट्स के निशान डाल दें हिप्स पे, कमर पे और अपनी चेस्ट का जो फिटिंग का निशान है उस पे भी। और नीचे से हम ये राउंड शेप दे देंगे इसकी, क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है। अब हमें इसकी अस्तर की कटिंग करनी है, तो इसे उठा देंगे इसी तरीके से और अस्तर की हम कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड करके ही इसी सेम तरीके से मैंने अस्तर को भी बिछा लिया है अपनी लाइनिंग को, और इस पर हम अपना कुर्ते को फैलाएंगे। बन की साइड है जहाँ, वहीं हमें बन साइड रखनी है। और इसमें हमें नीचे लेंथ में कोई छोटा नहीं करना है, लाइनिंग को ऊंचा नहीं करना है, सेम इक्वल बिल्कुल बराबर बराबर करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। ये कुर्ते पे मैंने लाइनिंग जॉइंट कर ली है, मैंने इसका नेक भी बना लिया है बिकॉज मुझे बॉट नेक बनाना था। और अगर आप बॉट नेक की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई पॉइंट पर क्लिक करें। तो मैंने बॉट नेक की वीडियो बना रखी है। ये स्लीव्स मैंने न्यू पैटर्न से बनाई हैं, ये है रफल स्लीव्स, न्यू डिज़ाइन है, तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी ही। सो हम आते हैं अपनी चाक पल्लों पर जो कि हमारी मेन वीडियो का पॉइंट है। तो इसके लिए हम ये वाले कुर्ती को उल्टा कर लेंगे। ये हमने हिप्स तक अपनी फिटिंग लगा ली है। और अब हम बनाएंगे चाक। बहुत ही इजी है राउंड शेप में चाक बनाना, कोई झोल नहीं आता। अगर आप चाहते हैं इस पे पट्टी लगाना और एक पट्टी कटिंग करके भी लगा सकते हैं, बट मैं बिना पट्टी के इसे ही फोल्ड करके दिखाऊंगी कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। एक पॉइंट से हम शुरू करेंगे यहाँ से और इस तरीके से इसे हल्के हाथों से ही फोल्ड करना है। जहाँ हमने खींचा इसे थोड़े थोड़े हमें इसमें चुन्नटें डालनी होंगी, जहाँ पर भी हमारा राउंड शेप है, इससे बहुत अच्छी इसकी गोलाई आती है। तो चलते हैं हम अपनी सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से हम इसे पहले फोल्ड कर लेंगे। जहाँ पर हमारा राउंड शेप है वहाँ पर हमें थोड़ी सी इसमें एक जगह चुन्नट दे देंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि थोड़ी सी उरेब होता है, हल्की सी चुन्नट इसमें दी जाएगी और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारे ये पल्ले बनेंगे बिना उरेब पट्टी के। और उरेब पट्टी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। 1 इंच की उरेब पट्टी कटिंग करेंगे और उरेब पट्टी को खींचते हुए अच्छे से अपनी पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें गोलाई आई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा एप्पल कट बनेगा। इसी तरीके से हम अपना पूरा पल्ला कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं मुझसे और भी नए नए डिज़ाइंस की वीडियो की मैं बनाऊं, और ब्यूटी में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ की वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी वो बनाने की। जहाँ पर भी हमारी राउंड शेप है वहाँ हल्की सी चुन्नट देने से हमारी बहुत अच्छी गोलाई आती है, बहुत फिनिशिंग के साथ आती है। और यहाँ पर हमें दूसरे पल्ले की तरफ जाना है, तो लास्ट पॉइंट पर हमारा जहाँ हिप्स का निशान है वहीं से हमें घुमा लेनी है अपनी मशीन कपड़े के ऊपर, और इस तरीके से हम पहले फोल्ड कर लेंगे और दोनों पल्लों को इक्वल करते हुए
एक सिलाई चलाएंगे दूसरी तरफ लाने के लिए। और सेम तरीके से हम ये भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारा कुर्ता ऑलमोस्ट हो चुका है और बहुत अच्छा इसका लुक आता है। अगर आपके पास है धोती सलवार और या फिर आपके पास है कोई स्कर्ट तो बहुत अच्छा इसका लुक आता है। एप्पल कुर्ता, एप्पल कट है ये इसे बोलते हैं, या फिर राउंड शेप की पल्ले की कटिंग, बहुत अच्छा इसका लुक आता है। आप चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।